गाइस, वेलकम टू क्यूने वीडियो में आप सभी को नमस्ते है एंड नमस्कार है। तो इस क्यूने वीडियो में कुछ हेड कमेंट है जिसे सुनकर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, जिस तरह मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। अगर उस वीडियो में कुछ मैं गलत बोला हूँ या गलत वीडियो बनाया हूँ तो आप हमें ज़्यादा नहीं 100 कमेंट कर दें, हाँ आपका वीडियो गलत है तो मैं उड़ा दूँगा। तो वो कमेंट क्या है, उसमें कुछ अच्छा भी कमेंट है एंड कुछ हेट कमेंट यानी कि बुरा कमेंट है। सो मैं आपको आज पढ़ के सुनाता हूँ। इधर घुस जा। और ये रहा कबीर, जो ये भी इस वीडियो में शामिल रहेगा और ये भी बोलेगा, बोलेगा ना रे कबीर। तो फर्स्ट कमेंट है हेल्प सुषमा, तो उसका क्या कमेंट है हम अभी पढ़ के सुनाते हैं। लिखा हुआ है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, बहुत ही दुख की बात है। संदीप भाई, मालिक ने अच्छा नहीं किया। ये बात सही है, हेल्प सुषमा जी सही मतलब कमेंट किए हैं, अच्छे लोगों के साथ ही ज़्यादा बुरा होता है। तो दूसरा कमेंट है पूर्णिमा राय जी का, तो उन्होंने क्या लिखा है, काश हम संदीप भैया के घर के पास होते तो उनका दुख तो नहीं बांटते बट उनके दुख में शामिल जरूर होते। बात तो सही है, क्योंकि किसी का दुख बांट नहीं सकते हो, लेकिन उनके दुख में जाके आप शामिल रहो, उसके बाद संतोना देते रहो। किसी के साथ अगर कोई गलत घटना हो रहा है तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए एंड उसको सहायता करना चाहिए ताकि अगले काम के लिए वो व्यक्ति सक्षम रहे एंड तैयार रहे। और ये मेरा कबीर भांजा सुसु कर चुका है। तो दूसरा कमेंट हम देखते हैं। तो तीसरा कमेंट है आई एस इंडियन, उन्होंने लिखा है, अगर उनको CPR देते तो उनकी मौत नहीं होती। हमारे इंडिया में 99 लोगों को ये लोगों को सिचुएशन में CPR कैसे देते हैं पता ही नहीं होता। उनको हार्ट अटैक आया था, उनको घर पर CPR देते तो वो बच सकते थे। मैं जापान में रहता हूँ, यहाँ बचपन से ही स्कूलों में सिखाया जाता है। बात सही है, क्योंकि CPR है, इसे हर एक स्कूल में हर गांव में एक क्या कहते हैं टेंट लगा के समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। जिस तरह एक डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी हैं, वो भी बताते हैं अगर अचानक हार्ट अटैक आ गया तो उस टाइम हमें क्या करना है नहीं करना है, वो भी बताते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो देखते हैं चौथा कमेंट। नेक्स्ट जो कमेंट है उनका नाम है प्रीति राजपूत, उन्होंने कमेंट किया है, मेरी भी ऐसा ही हालत हो गई थी भैया, जब मैंने ये सुना मेरे तो जान ही निकल गई थी। है ये वीडियो मैंने भी देखा था, बहुत अच्छे इंसान थे वो। तो गाइस, अरे वो जगह चेंज करके अभी दूसरे जगह फिर आ गया हूँ, पहले जहाँ मैं स्टार्ट किया था फिर वहीं आ गया हूँ। नेक्स्ट कमेंट प्रीति तिवारी जी का है, उनका कमेंट ये है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा करते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पर, उनका क्या नाम है अभी मैं बताता हूँ। डेमोन जेड वाई एक्स, तो उनका कमेंट क्या है, संदीप भैया के ब्रदर नहीं रहे, ओके गलत वीडियो मत बनाओ।
भाई मैंने क्या वीडियो गलत बनाया, अगर उस वीडियो में कोई गलत है तो मैंने बोला है ना आप लोग 100 कमेंट कर दो जो नहीं गलत वीडियो बनाया हुआ है तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। एंड नेक्स्ट कमेंट है इंडिया असिस्टेस, उसका उनका कमेंट है कि दुनिया उजर गई और तुम लोग उनके वीडियो बनाकर सिर्फ व्यूज कलेक्ट कर रहे हो। भाई ऐसा कमेंट जब आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही बुरा लगता है ऐसा जब कमेंट में पढ़ता हूँ, लेकिन क्या करें। तो चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पर। अर्जुन गोस्वामी, उनका क्या कमेंट है अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इनको हर टाइम कैमरा चाहिए बेवकूफ़ी, साफ साफ पता चल रहा है तुम संदीप नहीं व्यू के लिए कर रहे हो, बेशर्म इंसान। तो भाई आप बता सकते हो मैंने उस वीडियो में क्या गलत बोला था, आप ही लोग कमेंट जरूर करना। एंड मुझे बहुत ही बुरा लगता है ऐसा जब कमेंट आता है तो क्या करें, मुझे मन नहीं करता है कभी कभी वीडियो बनाने का, एंड चाहते हैं कि ब्लॉग बनाना ही छोड़ दें। हर कोई इंसान चाहता है, आज जो भी आया है चैनल पर सभी कोई चाहता है व्यू पाने के लिए, पर मेरा ये कोई रीज़न नहीं था कि संदीप भट भैया जी का मैं वीडियो बनाकर व्यू पाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा होता तो मैं कुछ और हटके मैं वीडियो बना सकता था व्यू पाने के लिए। आज की दुनिया में व्यू पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, व्यू पाने के लिए वीडियो देखने लायक भी नहीं होता है, वैसा वैसा वीडियो बनाते हैं। हम बना सकते थे लेकिन हमें वो पसंद नहीं है, जिसके वजह से मैं वीडियो ऐसा नहीं बनाता हूँ और सिर्फ ब्लॉगिंग साफ सुथरा करता हूँ। एंड स्केच बनाता था बट इधर स्केच नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ दिक्कतें हैं जिसके वजह से नहीं बना रहा हूँ। एंड आई होप अगर आपको ये अच्छा लगा होगा इस वीडियो में एंड क्यों ने वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड लाइक जरूर करना। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद।